गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए 29 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग वन बाई वन करके सारे करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, लिप्जिक बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है मारिया स्टेपानोवा, जो कि एक रूसी साहित्यकार हैं। लिप्जिक बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया स्टेपानोवा को, जो कि एक रूसी साहित्यकार हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया है? पश्चिम बंगाल में। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। एडीबी द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एडीबी से सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश कौन सा बना है? तो पाकिस्तान है। कौन सा देश है वो? पाकिस्तान। एडीबी द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एडीबी से सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश पाकिस्तान है। किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो झारखंड ने। किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है झारखंड। अब हम आते हैं आगे की तरफ। भारतीय खिलाड़ी कौर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध जो है वो किस खेल से था? तो मुक्केबाजी से। किससे था? मुक्केबाजी से इनका संबंध था। किसका? कौर सिंह का, जिनका कि निधन अभी हुआ है। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। अब हम आते हैं आगे की तरफ। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ पे शुरू हुआ है? गोवा में। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? तो भारत और यूके ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट करंट अफेयर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। तो इस प्रकार हमारा आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।